नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत आप सबका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है म्यूजिक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सप्तक। सप्तक क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। आज हम हारमोनियम पे इसको बजा के देखेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे सप्तक को हारमोनियम पे बजाया जाता है और ये कितने प्रकार का होता है और इसको कैसे बजाना है। दोस्तों, ये है हारमोनियम और हारमोनियम के लेफ्ट साइड पे सबसे पहली व्हाइट की है। हम यहां से सप्तक को आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे और यहां से हम सप्तक को जानना शुरू करेंगे और आपको बहुत ही आसानी होगी समझ के। अगर आपके पास हारमोनियम है तो उसको सामने रख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि सात स्वरों को कंटिन्यू बजाने में एक सप्तक क्रिएट होता है। जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम किसी भी सात कीज को बजाते हैं कंटिन्यू, तो एक सप्तक बनता है। तो आइए देखते हैं कि सप्तक कैसे बजेगा। ये है दोस्तों मंद्र सप्तक, जिसकी आवाज बहुत भारी है, डीप टोन है, आपने सुना होगा। तो इसके साथ जो कीज है उसको जब हम बजाते हैं कंटिन्यू, तो एक सप्तक क्रिएट होता है जिसको हम लो ऑक्टेव कहते हैं और मंद्र सप्तक भी कहते हैं। आपने देखा होगा मैंने सात स्वरों को बजाते हुए इसको भी, एक इस की को भी बजाया है। ये अगले सप्तक की है, इसको हमने कंप्लीट करने के लिए इसका यूज किया है। तो अगला जो सप्तक है यहां से शुरू होगा। यहां से काउंट करते हैं सात, 1 2 3 4 5 6 7। मैं दोबारा बोलता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। यहां से फिर अगला सप्तक शुरू हो जाएगा। आइए अगला सप्तक बजा के देखते हैं। दोस्तों, मंदर सप्तक के बाद हम बात कर रहे हैं मध्य सप्तक की, जो कि शुरू होता है यहां से। यहां से मध्य सप्तक शुरू होगा और यहां से हम सात स्वर एक बार बजा के देखेंगे। दोस्तों, हमने देखा कि ये सात स्वर कंटिन्यू बजाने पर मध्य सप्तक, जिसको हम मिडल ऑक्टेव कहते हैं, वो क्रिएट हुआ है, जिसको हम यहां से लेके यहां तक बजाएंगे। इसमें सात शुद्ध स्वर है, चार कोमल और एक तीव्र है। तो ये है हमारा जो हारमोनियम के बिल्कुल सेंटर में होता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे ज्यादा इसमें गाया जाता है, वो है मध्य सप्तक मिडल ऑक्टेव, जिसकी आवाज बिल्कुल नेचुरल होती है और मन वॉइस की रेंज में होती है। ये है ताल सप्तक, इसको बजा के देखते हैं। दोस्तों, ये है तार सप्तक, जिसकी टोन शार्प टोन होती है और ये इस सप्तक से डबल होता है, डबल आवाज का होता है। तो आपने बजा के देखा कि इसकी कीज की जो टोन है बहुत शार्प टोन आ रही है इसकी। तो आपके मन में एक और चीज आ रही होगी कि ये आगे वाले स्वर, इसको क्या बोलेंगे हम, ये इसको हम तार सप्तक ही बोलेंगे। आपने देखा तार सप्तक यहां तक है, तो अगले वाले जो जितने नोट्स हैं, जितनी कीज है, उनको हम इंडियन क्लासिकल में अति तार सप्तक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मंदर सप्तक यहाँ से शुरू होता है, अगर कोई हारमोनियम या कीबोर्ड इससे बड़ा हो तो इधर वाले जो नोट्स आगे जो बढ़ेंगे उनको हम अति मंदर सप्तक बोलेंगे। तो इसी तरह यहाँ से ऊपर वाले स्वरों को हम अति तार सप्तक बोलेंगे। एक और चीज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आपने सप्तक को समझ लिया कि सात स्वर होते हैं, अब आपके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि ये जो ब्लैक स्वर है ये क्या है। फिर ये भी इसी सप्तक का पार्ट है। हमने अपने स्वर वाली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने सात स्वरों की बात की थी। सात शुद्ध होते हैं, चार कोमल होते हैं और एक तीव्र होता है। तो ये जो सप्तक है इसमें टोटल 12 स्वर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो
तो इन 12 स्वरों में 7 शुद्ध हैं, 4 कोमल है और 1 तीव्र है। इसी तरह यहां से हम चलते हैं यहां तक, यहां पे भी आपको 12 स्वर मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 के 12 स्वर इसी सप्तक है जो है मिडल ऑक्टेव मध्य सप्तक, इसमें 12 स्वर है, इसमें भी 7 शुद्ध स्वर है, 4 कोमल है और 1 तीव्र स्वर है। और अगला सप्तक आ गया हमारे पास तार सप्तक, इसी में भी 12 स्वर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इस सप्तक में भी 7 शुद्ध स्वर है और 4 कोमल और 1 तीव्र है। इसी तरह सप्तक की जो डेफिनेशन है वो तो है कि 7 स्वरों को गाना बजाना एक सप्तक क्रिएट करता है, लेकिन ये जो 4 कोमल और 1 तीव्र स्वर है वो भी इसी सप्तक में ही आता है। तो हम ये भी कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ 12 स्वर इज कॉल्ड सप्तक, 12 स्वरों का कॉम्बिनेशन भी एक सप्तक ही है, ये भी एक डेफिनेशन सप्तक की बनती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा कि सप्तक कितनी तरह के होते हैं और इनकी टोन कैसे होती है। बाकी आप एक बार प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ आ जाएगा। मैं लास्ट जाते जाते आपको फिर बता देता हूं, ये है हमारा मंद्र सप्तक, मंद्र सप्तक जिसके स्वर 7 शुद्ध है, 4 कोमल और 1 तीव्र, टोटल 12। यहां से शुरू होगा मध्य सप्तक जिसको हम मिडल ऑक्टेव बोलते हैं, 7 शुद्ध, 4 कोमल, 1 तीव्र। आगे चलते हैं यहां से फिर शुरू होगा तार सप्तक, 7 शुद्ध, 4 कोमल, 1 तीव्र। इसी तरह हमने देखा मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक, ये 3 सप्तक हैं जो एक हारमोनियम में होते हैं। और जाते जाते दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा प्यार इसी तरह बना रहे, हमारी वीडियोस देखते रहें और अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।